ये कितना हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, पैसे मेरे अलमारी ची होंगे पक्का। की हुआ सनी? लगता तेनू एहसास हो ही गया कि पैसे इत्थे नहीं है। भाभी जी तुसी? हाँ मैं। की गल, पैसे नहीं मिले? भाभी जी तुसी की कह रहे हो, केड़े पैसे? सनी तेनू हजे भी लगता है कि मैं तेरी गल्लां ते विश्वास करांगी? तू हले भी नाटक कर रहे हो मेरे सामने। मैनू सच्ची नहीं पता तुसी केड़ी गल कर रहे हो। ठीक है, तू नहीं मनना चाहुंदा ना, ना मन। पर मैनू सब पता कि मेरे पर्स चो पैसे तू कटे सी। ते हाँ, जेड़े पैसे मैं बाहर दिते है ना, ओही पैसे सी। हैरान तो मैं भी काफी सी, सब तो मेरे नाल इन्ने प्यार नाल गल। भाभी जी तुसी आ गए, बैठो बैठो। भाभी जी तुसी काफी थके हुए लग रहे हो, कुछ खान पीन लेके आवां तुहाडे लई? नहीं नहीं मैं ठीक हाँ। भाभी जी मैं ना साडे रिश्ते नूं इक नवा मौका देना चाहुंदा। मैं सच्ची बहुत खुश हाँ कि तुसी रणवीर वीर जी नाल विआह करा लिया। भाभी जी मैनूं भुख लग रही है, मैं कुछ खान नूं लेके आया। नहीं नहीं तू बैठ, मैं लेके आऊं। चलो बैग तां इत्थे चढ़ गई। भाभी जी मेरे को थोड़ा गलती ना पर्स गिर गया है। कोई गल मैं चुप। भाभी जी मैं पानी लावा थोड़े लिए? मैं लिया। पैसे चोरी करने बारे कितना सोच सकता है सनी? मासी जी का दिल दुखाने बारे, हो मासी जी जिहड़े सारे दे खिलाफ खड़े हो गए तेरे लिए, क्योंकि वो तेनू एक मौका देना चाहते सी, मौका अपनी जिंदगी सुधारन का। ते तेनू मौका मिलिया भी, तेनू मौका दिता गया कि तू अपनी जिंदगी एक नवे सिरे तो शुरू कर सके, पर तू की किया? अपने घर में चोरी की। मैनू तो आ भी नहीं पता कि तेरा ऑफिस में आने का मकसद की है, चाहता की है तू सनी? हाँ पर मैनू इन्ना पता है कि मैं तेनू इस कंपनी नाल धोखा नहीं करन दांगी। इस कंपनी लई असीं दिन रात मेहनत करदे, जिहदे सिर ते किन्ने लोकां दे घर चलदे ने, ते आ पैसे सिर्फ इस परिवार दे नहीं ने,
उस कंपनी विच काम कर रहे हर एक मुलाजम दिन ते इन्ना पैसियां ते मैं किसी होर दी बुरी नजर नहीं पहन देवां। कोई इन्ना वड्डा धोखा नहीं कर सकता साडे नाल। मैं हुणे जाके सारा कुछ रणवीर सिंह नूं दसदी। नहीं नहीं भाभी जी नहीं, मैनूं माफ कर दो, मैं सच्ची बदल जावांगा। आई एम सॉरी। मैं तेरे उत्ते भरोसा करन दी दोबारा गलती नहीं कर सकदी सनी। मैं तेनूं पहला भी कहा सी कि साडे दित्ते मौके दा गलत फायदा चुकन की कोशिश ना करी। भाभी जी प्लीज एक लास्ट चांस दे दो, लास्ट चांस प्लीज, मैं सच्ची बदल के दिखावांगा। प्लीज भाभी जी एक मौका दे दो मैं। I'm sorry भाभी जी। सनी मैं जालन दे। मैं नहीं भाभी जी प्लीज, जे मासी जी नू पता आ गया उन्होंने कोई चीज बर्दाश्त नहीं। प्लीज उन्होंने खातिर लास्ट चांस दे दो प्लीज, मैं उन्होंने निराश नहीं करना चाहता। ठीक है सनी, एक आखिरी मौका। जे इस बार तू कोई भी गलती की थी, मेरे तो बुरा कोई नहीं। नहीं भाभी जी कोई गलती नहीं होगी। मैंने तो डर रही है कि अरमान मेनू फिर तो सारा समान वापस करने लेना कह दें। पहला भी कह चुके हुए ने पर कितने आप ही ना सारा वापस कर दें। रिलैक्स सिंपल, तू अरमान तो कुछ भी करा सकती है। उन्हें कभी तेरी गल टाली है भला? भला तू तो मैनेज कर ही लेंदी है। नहीं नैंसी, मेनू नहीं लगता कि अरमान मेरी होर गल मनणगे। क्यों हुण इदां दा की हो गया? तू तो उन्हें फसा ही लेंदी है ना। पर इस बार ना मैं अरमान नूं फसाना नहीं चाहती, ना ही मैं उन्हां नूं कोई गेम खेडदी पई आं। मैनू अपने लिए तां कुछ भी नहीं चाहिदा, बस मैनू जो कुछ भी चाहिदा ना अपने इस होण वाले बेबी दे लई चाहिदा। मैं बस इहनूं इक बेस्ट लाइफ देना चाहुंदी आं। सीरियसली तैनूं अपने लिए कुछ नहीं चाहिदा? नैंसी जिंदगी च पहली बार ना मैं अपने आप लई नहीं सोचदी पई। सिंपल मैनूं यकीन नहीं हो रहा तू इन्ना बदल सकदी है। एहो जिहा की जादू करता अरमान ने तेरे उत्ते? अरमान दा नहीं, ये तो मेरे होण वाले बच्चे दा जादू है। इहदा एहसास है जिन्हें मैनूं इन्ना बदल दिता। वैल मैनूं ऐ सब समझ नहीं आंदा। आ जाएगा जब तू मां बनेगी। वॉट मां ते मैं, मैनूं कोई इंटरेस्ट नहीं हैगा इन्ना च। इंटरेस्ट नहीं है? ले ए सब केड़ा अपने हाथ दे विच हुंदा है। एक मां दे लई अपने बच्चे लई जो है फीलिंग है ना। बस कर सिंपल, किहो जी गल्ला कर रही है? मैं जदो दी आई हां तू यही गल लेके बह गई। की मतलब किहो जी गल्ला कर रही है मैं? बस मेरा बच्चा मेरा परिवार, मैनू कोई इंटरेस्ट नहीं हैगा इना विच। क्यों हुण इहदे विच बुराई की है? तू आप ही सोच, पहला तू की सी ते हुण की हो गई है। हुण तू अपनी खुशी तो ज्यादा अपने बच्चे दी खुशी वेख रही है। इनफैक्ट मैं जदो दी आई हां तू अपने बच्चे बारे गल कर रही है। पहला तू देख आपा किन्ने खुश हुंदे सी, आपा शॉपिंग करन जांदे सी, इंटरनेट ते फोटो पोस्ट करदे सी, ते हुण देख तू किन्नी बोरिंग हो गई है। हां ते हर इंसान दी लाइफ दे विच ना फ्रेज तां आंदा ही है। सिंपल तैनूं बिल्कुल डर नहीं लग रहा? डर किस गल दा? सिंपल प्रेगनेंसी तो बाद तेरा वेट वध जाएगा ते तू आप सोच तू पता नहीं किद्दां दी लगूगी ते अरमान दा तेरे उत्ते इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। मैं अरमान दे बच्चे दी मां बनने वाली हां, इस तो बात तो सगो मेनू होर भी बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। छड्डन दा तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। देख सिंपल, असी जिद्दां सोचदे आ ना बंदे उद्दां नहीं हुंदे, ते अरमान ओही है जिन्हें तेरे करके देशों नूं छड्डिया सी। तां बेटा तां उहनां दा वी सी, रीजन तां तैनूं पता ही है ना। अरमान एक बोरिंग वाइफ नहीं चाहता, ते तू भी ओही कर रही है। देख सिंपल, मेरा काम से तेनू दसना, मन्ना नहीं मन्ना वो तेरी चॉइस है। बस इमोशनल होके कोई डिसीजन ना ले ली। सर एक मिनट। तुसी कॉफी पियो या तुसी पानी पियो? टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। तेनू लगता मैं शांत हो जाऊंगा? मैं तेरे ते गुस्सा आ रहा है, तू खड़ी खड़ी इतने मेरी गल्ला सुनती पई है। क्योंकि सर मैं चाहूंगी हां तुसी मेरी गल सुनो शांत होके, ना कि गुस्से च। तेनू लगता कि मैं इस टाइम किसी दी गल शांत होके सुन सकदा? पहली गल मैं तेरी कोई गल नहीं सुनना चाहुंदा, ते दूजी गल मैनू कल्ला छड़ दे, मेरा दिमाग ना खराब कर। इत्थे सर तुसी शांत हो जाओ ना। ओ तू जा ना इत्थों।
मैं नहीं जाना। तुहानू मेरी गल सुननी पड़ेगी, आफ्टर ऑल मैं पूरी रात मेहनत की थी। इससे तेरी एक बार गल पल्ले नहीं पैंदी। ये सब की है तू मैंने यह कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। कम नहीं कर सकती। ओ हेलो, मैं तेरा सीनियर हाँ। तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? तू नहीं मैं और की करा। मैं पूरी रात बह के पूरा काम कितनी मेहनत ना ते तू से देखना भी नहीं चाहते। ये तो गलत गल है ना, मैंने पता ना वधिया काम कीते। ऐदा तो मेरी जॉब चल जाएगी वो भी तो आटे करके। की कह रही है मिनी? देख देख मेरी गल सुन, सारे नु ऐ लगना कि मैं पता नहीं तेनू की कहता, तो प्लीज ना रो, प्लीज ना ऐदा ना कर। नहीं और मैं की मेरा, तुझे मेरी गल ही नहीं सुनते। अच्छा ठीक है, अच्छा एक एक मिनट, इधर आ, तू बैठा, तू बैठ बैठ, ले आगे हो, तू मन दिखा, तू मन की दिखा, चल मिनी प्लीज, अले पानी वेरी गुड। कॉफी भी प्लीज, प्लीज कॉफी भी रोना नहीं है, ठीक है? तो देख रहे ना, मैं तेरे लिए यार सूट सिलेक्ट किया है, आले फट वेयर कर किया। मैं अपने आप बदल लूंगी। हाँ ते गो ना, मैं इतने वेट करांगी तेरा। मैं तेनु तैयार किते बिना नहीं जाना। आई वॉन्ट कि जदों मैं सारी दुनिया दे अग्गे अनाउंस करूंगी कि तू मेरी डॉटर इन लॉ है तो तू एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए है, इसलिए तेनु मैं अपने हाथों नाल तैयार करांगी। वैसे एक गल दसा दशो, मैं ना तेनु डॉटर इन लॉ नहीं मनिया, बट हुण ताडी मैरिज हो गई है तो तेनु एक्सेप्ट करन तो इलावा मेरे कोल होर कोई ऑप्शन भी नहीं है। चल यही सही, पर हुण सारी दुनिया नु दसना ते पैना ही आ, इसलिए मैं डिसाइड किया है कि मैं तेनु न्यू ब्राइड वांगू तैयार करांगी, जिद्दां अजकल दियां गर्ल्स हुंदियां ने बिल्कुल ओदां ही। पता नहीं देशो जी किद्दां सांभणगी, कितें मासी जी उन्हां नू नर्वस ना कर दें, पर हुण मैं कर भी की सकदा सी, मासी जी ने तां आप मैनू रूम चो बाहर कढ़ता। रणवीर देशो कित्थे है, वो अजे तक बाहर क्यों नहीं आई? देशो जी मासी जी दे नाल रूम च ने। व्हाट, दीदी देशो नाल की कर रही है? तू देशो नु उन्हां नाल इकल्ले छड्या क्यों? मैं तां आप नहीं छड़ना चाहुंदा सी मम्मी, पर मैं की करदा, मासी जी ने मैनू जबरदस्ती कमरे चो बाहर कढ़ता। मासी जी देशो जी नु आप पार्टी देई तैयार करना चाहुंदे सी, मैं कुछ कर ही नहीं सकिया, सब कुछ इन्ना जल्दी जल्दी हो गया। मम्मी जी मैनू तां डर, देशो जी पहले ही पार्टी दे लई मना कर रहे सी, उन्हां नु लग ही रहा है कि साडे विआह दी खबर सारे पासे फैल जाएगी। वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं कि वो मासी जी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने धोखा दे रहे हैं, उन्हें तो जो बीत रही है ना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। फिर तू देशो नु मासी नाल इकल्ले छड्या ही क्यों? तेनू अपनी मासी का नहीं सी पता, वो देशो नु उस पॉइंट तक लेके जाएंगे जिथे देशो ब्रेक डाउन हो जाएगी ते सब सच बोल देगी। दीदी नु तो झट पता चल जाता जे कोई गड़बड़ होवे तां। मम्मी जी मैं तुहानू कहा ना, सब कुछ इन्ना सडन होया कि मेरे कोल होर कोई ऑप्शन ही नहीं सी, मैं की करदा? रणवीर कितें दीदी नु शक तो नहीं हो गया होगा, ताई देशो नु इन्ना प्रेशराइज कर रहे हैं? शक करने दा तां असीं उन्हां नु चांस ही नहीं दित्ता, अजे तां इहो जिहा कुछ नहीं सोच रहे होंगे, पर मैनू तां इह डर है कितें देशो जी सच ना बोल बैठन, उन्हां प्रेशर नहीं झेल पाणगे। मैनू भी कुछ समझ नहीं आ रहा रणवीर, दीदी दा दिमाग बहुत तेज है, उन्हां तो कोई भी गल लुकाउणी बहुत मुश्किल है। ओ गॉड, इह की हो रहा? पता नहीं सर नूं प्रेजेंटेशन किद्दां दी लगी होनी, अजे तक तो कुछ दस्या भी नहीं। रमान सर कित्थे गए? इस टाइम तक कर भी नहीं जा सकते, शायद
उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई ते वो चले गए, पर उन्होंने मेरे कुछ कहा भी नहीं। शायद इस बारी उन्होंने मेरे कुछ कहन लायक भी नहीं समझा। चलो ये भी चंगे कि मैंने उन्हां दा डिसअपॉइंटमेंट भरा चेहरा देखण नूं नहीं मिलिया, बट फिर भी मैंने एक बारी वो मुंह ते कह देंदे तां शायद साडी आ फाइनल गुडबाय हुंदी। ये की है प्रेजेंटेशन कहंदे इहनूं? इत्थों तक मैं तेरी प्रेजेंटेशन देख रहा ना, ये एकदम यूजलेस आ, जमा ही तेरी कॉफी वर्गी। ओ तू एक अद्धा काम ते ढंग ना कर लिया कर, तू जा, तू जाके ना कॉफी कूफी बना ते स्नैक सर्व कर पूरे ऑफिस च, तेरे वास्ते खेड़नी है की। पापा सही कह रहे थे, मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकती, पता नहीं मैं इतनी मेहनत क्यों की थी, मैंने घर चले जाना चाहिए था। मैम तुसी आज भी सारी रात काम करना है? नहीं, मेरे को हम काम करने लिए कुछ नहीं गए थे, एंड आई गेस मैं थे रहना डिजर्व ही नहीं कर दी। मैम काम करना तो हमेशा ही औखा होता है, पर ऐसा छड़ के नहीं जा सकते ना, काम ऐसा नहीं किया जाता, ना ही ऐसा सपने पूरे होते हैं। गुड्डू जी मैनू मौका मिलया सी, बट मैं वो गवा दिता, मैं अपने आप नूं प्रूव ही नहीं कर पाई, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती बिल्कुल भी। चंगा होएगा कि मैं इत्थे चले जावां ते कदी मुड़ के वापस ना आवां। मैम जिद्दां तुहानूं ठीक लगे, पर मैं तो यही कहांगा कि कोशिश करनी कदे भी छड्डनी नहीं चाहिए। तुसी तो पढ़े लिखे हो, मेरे नालों तो तुहानूं ज्यादा पता है। थैंक यू सो मच गुड्डू जी मेरा हौसला बढ़ाने लई, बट शायद यही मेरी किस्मत है। हुण इहदा भी की काम, मेरी फर्स्ट जॉब। सिंपल तू मेनू बेस्ट आइडिया दिता है। वेल अजे भी तेनू नंबर वन रहना आउंदा है। मेनू नहीं अरमान, थानू चंगी तरह पता है कि अपने बिजनेस दे विच किवें सक्सेसफुल होना है। तेशु जी मैं देखिया कि तुहानू नींद नहीं आ रही सी, आ हल्दी चीनी वाला दूध है इहदे नाल नींद आ जाएगी। तुसी तुहानू आ सब करन दी कोई जरूरत नहीं सी। जरूरत है, तुसी बोल रहे हो कि असी ना दोस्त हां, ते मैं तां अपने दोस्तां दा इदां ही ख्याल रखदा, तुसी भी जदों तक मेरे नाल मैं तुहाडा इदां ही ख्याल रखूंगा। ते जो कुछ भी हो रहा ना उह सब दा मैनूं भी बहुत पछतावा, मैनूं पता है कि तुसी ना चाहुंदे होए भी एक इहो जी सिचुएशन च मेरे नाल फस गए। मैं नहीं, तुसी, जो कुछ भी हो रहा है मेरे करके हो रहा है। प्लीज देश अपने दिल च ना कोई भी गिल्ट मत रखो, असी उस टाइम ओही किता जो सानू सही लगा, ते हुन ओही गल्लां याद करके ते अपने आप ते गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। अच्छा चलो हुन दूध पियो। नहीं मेरा मन नहीं है। देशो जी लो। की देख रहे हो, फिनिश करो जल्दी। वेरी गुड। अच्छा चलो हुण तुसी ले जाओ। चलो चलो अच्छा हुण तुसी अपनी अखां बंद करो ते होर कुछ ना सोचो।
की होया। अच्छा चलो मैं तो हनु ना कहानी सुनाऊंगा। एक बार ना एक प्यो पुत घोड़े नू लेके जा रहे थे ते कुछ लोगों ने उन्होंने देख के कहा कि ये कितने बेवकूफ ने। प्यो पुत्र ने रियलाइज किया कि यार जो मर्जी कर लिए लोगों ने ता गल कर सो गए। गुड नाइट देश जी। सही कह रहे थे, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। सिंपल सिंपल सिंपल। हां जी अरमान। चल मैं लेट हो रहा, मैं ऑफिस चल रहा, ठीक है? लेकिन नाश्ता तो करके जाऊं, मैं बस होने लगा रही है टेबल पे। रुको। नहीं नहीं मेरी गल सुन, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने कोई भूख नहीं हैगी, मैंने जान दे, मैं कैंटीन चो कुछ ना कुछ खा लूंगा। हाँ तो ठीक है ना, तुसी नाश्ता ना करके जाओ, लेकिन मैं टिफिन च पैक कर देनी है, बस एक मिनट लगेगा। सिंपल कहा ना तेनू मैं बहुत खुश हूँ, तू फिक्र ना कर, मैंने कोई भूख नहीं हैगी, तू मन्या कर, मैंने जान दे, ठीक है? एक मिनट तो रुको, आज तो कोई बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ, सीरियसली तू मैंने बहुत बढ़िया आइडिया देता है, ऑफिस जान ली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सिंपल आज मेनू भी बहुत खुशी है अरमान कि मैं किसे तो थोड़े काम आई, पर मेनू ना एक चीज की टेंशन हो रही है, मेनू समझ नहीं आ रहा है मैं मिनी नू कितना मैनिपुलेट करूंगा। मिनी? हाँ वही इंटर्न जिन्हें अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, उन्हें ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन बहुत बेकार बनी हुई है। पर उन्हें इदा क्यों लगता है? मैं ही तो यकीन दवाया उन्हें, समझदी नहीं तू। अच्छा पर अरमान थोड़ा उन्होंने कन्वेंस करने की जरूरत नहीं है, तो ना ही उन्होंने यह दसन की लड़ है कि तुम मीटिंग रूम के प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, अरमान वो सिर्फ एक इंटर्न है, ना ही उन्होंने कौन दसेगा, तो वैसे भी ना हजे उसके लिए टाइम है हार्ड वर्क करने का, तो तुम रिलैक्स करो। हाँ सिंपल मैं ना पूरी कोशिश करूंगा, तू फिक्र ना कर। यस तो तुम ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर जाना है, मीटिंग रूम दे विच ना बहुत ही बढ़िया वाली प्रेजेंटेशन तुसी प्रेजेंट करनी है। चल ठीक है मैं चलता। एक मिनट रुको। परफेक्ट, हुन बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो तुसी जाओ ते अपनी बढ़िया जी प्रेजेंटेशन दो। ऑल द बेस्ट। जे प्रेजेंटेशन बढ़िया रही ते की टेंशन ना ले, मैं घर आके दसदा तेनू। बाय बेबी, अपने मम्मी ने कोई अपनी एक्साइटमेंट बना के रखन जो तक मैं ऑफिस तो वापस नहीं आ जांदा, ठीक है? चल सिंपल हूं मैं चल रहा, ठीक है? मैं लेट हो रहा, बाय। ठीक है बाय। बस अरमान दा ना ऑफिस दे विच दिन वधिया जाए, उन्हां दे सारे काम ठीक हो, फिर उन्हां दा ना मूड भी बहुत चंगा रहेगा। सॉरी मैं तुहानूं डिस्टर्ब तां नहीं कीता? नहीं नहीं बोलो अरमान। सर मैं कहना सी कि मेरी प्रेजेंटेशन एकदम तैयार है, तुसीं चेक कर लो एक बारी, असीं शुरू करिए। गुड मॉर्निंग वीर जी। गुड मॉर्निंग भाभी जी। तू इत्थे की कर रहा? सॉरी मैं तुहानूं डिस्टर्ब करता, पर अज दा कोई काम शुरू करन तो पहला ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना चाहुंदा। Thank you.
वेल, मैनू बहुत खुशी है इस गल दी कि अरमान हार गया ते मेरे वड्डे वीर जी जीत गए। ए भाभी जी, ये फोटो मैं कित्थे लगावा? ये फोटो उत्थे लगनी चाहिए है जिथे सारे ऑफिस की नज़र पवे। मैनू स्पेशली मासी जी ने कहा है। मैनू लगता है अरमान नू खुशी नहीं हुई देख के मेरे भाभी ते मेरा भरा एक दूजे नाल किड्डे सोहने लग रहे ने, एक परफेक्ट जोड़ी। आफ्टर ऑल दोवें सक्सेसफुल ने अपने करियर विच, बेस्ट जोड़ी इन्हां दोवां दी। इन्हां दा व्याह तां पहलां ही हो जाना चाहिदा सीगा। भाभी जी, तुसीं बहुत लकी हो कि तुहानूं मेरे वीर जी रणवीर वीर जी वर्गे पार्टनर मिले ने। बाकी तुहाडा पहला व्याह तां मजाक सी जिहड़ा होना ही नहीं चाहिदा सी। सनी, ये ऑफिस है, इत्थे असीं ना कम दे लई आउंदे आ, आप पर्सनल मैटर्स डिस्कस करन नहीं। चंगा होएगा कि तू भी कम ते ध्यान दे। वैसे भी साड़ी पर्सनल लाइफ च ना तेरा कोई कंसर्न नहीं। आई एम सॉरी वीर जी। तू जिस काम दे लई इत्थे आया सी ना वो हो गया, हुण तू जा सकदा। मैं ऑफिस कम करन आया। अच्छा? हाँ जी भाभी जी, मेरा काम इत्थे इंप्लॉयज ते नजर रखना है। आफ्टर ऑल मैं दुग्गल फैमिली दा हिस्सा। ठीक है, फिर तू अपना भी ध्यान रखी। हाँ जी जरूर। वैसे मैं हैरान हाँ कि लोग इन्नी जल्दी ते आसानी नाल जिंदगी चो अगे किदा वध जांदे आ। अरमान, असी ऑफिस च पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं कर सकते, इत्थे सिर्फ काम दी गल करो, अपनी प्रेजेंटेशन रखा। हाँ जी। तुसी काफी इंप्रेस होवोगे मेरी प्रेजेंटेशन देख के, मैं काफी मेहनत कीती है इत्थे। सच दसां ते मैं काफी रात सोया भी नहीं सीगा। ओके गुड। सर, मैनू लगता है कि सानू ना अपनी पैकेजिंग बदलनी पएगी। एक तो सस्ती भी पएगी प्लस इको फ्रेंडली भी रहेगी, ते नाले साडे कस्टमर्स नू ए लगूगा कि ए स्वाद दे नाल नाल वातावरण दा भी ख्याल रखदे ने। ए वधिया आईडिया, असी इहदे बारे सोच सकदे। तुहानूं किद्दां दा लग्गा आईडिया? हाँ, आइडिया तो मैनू भी वधिया लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अरमान सर। गुड मॉर्निंग। तू इत्थे की कर रही है? सर, आई एम रियली सॉरी, मैं लेट हो गई ते तुहाडी मॉर्निंग कॉफी भी नहीं दे पाई, ओसले सॉरी। एक्चुअली च ना मिनी मैनू मॉर्निंग कॉफी दिंदी है, तुसी पीनी पसंद करोगे? जी हाँ, मैं रोज इन्हां लई कॉफी लेके आउंदी हां। आफ्टर ऑल अरमान सर मैनू इन्ना कुछ सिखा रहे ने ते इन्ना तां मैं कर ही सकदी हां। एक काम कर मिनी, जा सारे वास्ते कॉफी लेके आ। नहीं नहीं मिनी, कोई जरूरत नहीं है, जे सानूं चाहिदी होई असीं आपे बना लांगे, वैसे भी तू इत्थे कॉफी बनाउणी आउंदी। हाँ जी थैंक्स, बट असीं आपे ही ले लांगे। रुक जा, कदी तक कोई काम चज ना कर लिया कर। सर हुण मैं की कीता? कुछ नहीं मिनी, तू ना बाहर चल, मेरा वेट कर, मैं आना। ओके सर। एक्चुअली ना सर, मैनू लगता है कि सिस्टम च प्रॉब्लम आ गई है, प्रेजेंटेशन सारी स्टक हो गई है। तुसी मैनू थोड़ा टाइम दो, मैं हुणे सब कुछ सॉर्ट आउट करके वापस लेके आना। जी पता नहीं कल नूं की होएगा। मम्मी जी, तुसी ठीक हो? तैनूं की फर्क पैंदा है? ए तुसी की कह रहे हो, ए पुत्तर नूं अपनी मां दी चिंता तां होएगी ना। सच्ची तैनूं फिकर है मेरी? हां जी मम्मी। रणवीर एक गल दस, तैनूं सच्ची लगदा है मेरा तेरी खुशी चाहना गलत सी? आई मीन मैं सिंपल नूं पैसे दित्ते सी अरमान नाल ब्याह करवाउण लई, पर मैं सिर्फ ये चाहती सी कि देशो तेरे नाल जिंदगी च अग्गे वधे, उन्हूं तेरा प्यार नजर आए। आई नो मेरे करके बहुत कुछ मैस्ड अप हो गया, पर मैं फिर भी यही चाहिया कि देशो नूं ये एहसास होवे
कि तू उन्हें कितना प्यार कर दे। तुसी दोनों ने की फैसला लिया, नकली ब्याह कराने का? चलो पुत्र, जे तेनू लगता है ना कि मैं जो भी किया उहदे पिछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं सी ते मेरा दिल साफ है, तो मेरे नाल एक वादा कर। वादा? ओ कोई नहीं पुत्र, मैनू समझ जाना चाहिदा सी कि तू मेरे नाल सहमत नहीं होएगा। अज तेनू अपनी मां ते ही भरोसा नहीं? ओही मां जिन्हें हमेशा तेरा साथ दिता, हर फैसले च तेरे नाल खड़ी रही। रुक जा मम्मी, मैनू तुहाडे ते पूरा भरोसा है, ते इस गल दा तुहानू भी चंगी तरह पता है। तां फिर तू मेरे नाल एक छोटा जिहा प्रोमिस क्यों नहीं कर सकता? मैं तां सिर्फ इन्ना ही चाहनी हां ना कि मेरी दीदी ते मेरे परिवार अगे मेरी इज्जत बची रहे। मैं तेरे ते देशों तो सिर्फ इन्ना चाहनी हां कि तुसी ये व्याह दा नाटक एक दिन होर कर। पर मम्मी जी, मैं तुहाडे नाल ये वादा किवें कर सकदा? रणवीर, मैं समझदी हां पुत्र, पर पुरोहित जी दे सामने ये गल बाहर नहीं आ सकती। मम्मी जी, ये सच कदे ना कदे तो सामने आना ही है। तां मैं अपने आप दीदी नूं पुरोहित जी दे जान तो बाद दस देंगी ना। मैनूं पता है तू ते देशो ये नाटक बहुता लंबा समा नहीं कर पाऊंगी। जे दीदी ने पुरोहित जी दे जान तो बाद भी इत्थे रहन दा फैसला कीता ना, तां मैं आप दीदी नूं दसांगी ये सारे सच बारे। ठीक है मम्मी, मैं तुहानू वादा करदा कि पुरोहित जी दे सामने सच बार नहीं आएगा, पर ये सच ज्यादा दिन लुकिया नहीं रह सकता। जिवें तुसी आप ही कहा है, जे मासी जी ने इत्थे रुकण दा फैसला कीता तां सानू उहनां नूं सच दसना ही पएगा। मैनूं पता है पुत्र, तू अपनी जुबान दा किन्ना पक्का है ते मैं अपनी जुबान दी। पुरोहित जी दे जान तो बाद मैं आप दीदी नूं सब सच दस देंगी। मैनूं तुहाडे ते पूरा भरोसा। देशो जी, तुहाडे लई गर्मा गर्म नाश्ता। तुसी की कर रहे हो? अज असी ब्रेकफास्ट अपने रूम च करांगे, क्योंकि इत्थे मोमो मासी दे सवाल ते उहनां दीआं शक भरीआं नजरां नहीं होणगीआं। तुहानू पता है कि गल सवालां दी नहीं है। रिलैक्स, मैनू पता है, मैं तां बस माहौल नूं थोड़ा जिहा लाइट करन दी कोशिश कर रहा। वैसे मैनू पता है कि इह सिचुएशन बहुत सीरियस है, ते मैनू इह वी पता है कि असी इह सब कुछ हैंडल कर लांगे, फिर सानू इक रूम च रहण दी वी जरूरत नहीं। ते जे मैं अज दी गल करां ते मैं सारे मूमेंट्स तुहाडे नाल जिउणा चाहुंदा, ये सारियां मेमोरीज बनाउणा चाहुंदा। वैसे तुसी बहुत लकी हो, तुहाडी किस्मत च है रणवीर दुग्गल दे हद्दा बनिया होया नाश्ता, ये सारियां दी किस्मत च नहीं हुंदा। मैं तुहाडे हद्दा बनिया खाना पहला भी खाद्दा, तुसी मेरे बॉस भी हो, पर मैं तुहानू एक गल दस देना चाहुंदी हां कि थानू पता होना चाहिए कि मैं थोड़े नालों ज्यादा वधिया शेफ हाँ। चलो फिर जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो जाना, आओ। थैंक यू। असी इतना कमरे विच बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, मासी जी नूं बुरा नहीं लगेगा? आई एम श्योर वो ठीक होंगे। थानू मेरी पसंद नापसंद के बारे सब पता है ना? ये सब कुछ पता होना तो मेरी ड्यूटी है, आफ्टर ऑल असी फ्रेंड्स हैं, तो मैं एक बहुत बढ़िया दोस्त हूँ। शुरू करिए। डरन दी कोई लोड़ नहीं है। मेरे छोटे जे गरीब खाने विच तुहाडा स्वागत। मैनूं बड़ी खुशी हुई कि तू इत्थे आउण दे लई राजी हो गई। मैं तां उस दिन जिस दिन तेरा हाथ वेख्या सी
उसे दिन ही समझ गया सी कि तेरे लिए दूसरे बच्चे की उम्मीद करना आसान है। मैनू पता है तेरे ग्रह चक्कर ठीक नहीं, पर तू फिकर ना कर, असी इहदा हल करांगे। रोहित जी ने मैनू इहदा हल पहले ही दस्या सीगा। बहुत आसान है, हुणे हो जाना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। उठो बेटी, इत्थे आओ, देवी मां दी मूर्ति है। हाँ उठो उठो, हाथ जोड़ के खड़े हो। कुछ तो गलत होया तेरे ब्याह दे विच, मैनू लगता है तेरे ब्याह दे विच होईयां रस्मां सही नहीं। वो जिन्नियां सच्चियां होनियां चाहीदियां सी उन्नियां होईयां नहीं। पर कोई नहीं, सानू तुहाडे रिश्ते नू मजबूत करना पैणा। भैण जी होरे देवी माता नू बहुत मंगदे, देवी माता दे आशीर्वाद नाल ही तुहाडा रिश्ता मजबूत होना है। हुण मैं जो जो कहांगा मेरे मगर मगर उवें दोहराए। देवी मां नू साक्षी मन के इन्हां दे सामने कह कि मैं रणवीर दुग्गल नू अपने दिलों पति स्वीकार करदी। कह बेटी, जिदा मैं कहा उमें कह, माता रानी आशीर्वाद देवेगी। बोल बेटी, तैनू रणवीर नू अपना पति मनना पवेगा। तेरा रणवीर दे नाल व्याह हो चुकिया। अग्नि नू साक्षी मन के तुसी सत फेरे ले आ। तुहाडे व्याह च साक्षी बने लोगों ने तुहानू पति पत्नी मन लिया, पर तू क्यों नहीं मन रही? कुछ नहीं करना, बस देवी मां दे सामने अपना रिश्ता स्वीकार करना है। कादा इंतजार कर रही है? बोल। रणवीर तेरा घर वाला है ते तुहाडा सत जन्म का रिश्ता है। देशो, जो पुरोहित जी कह रहे वो कह ना, बस यही हाल लिया, सब ठीक हो जाएगा। देवी माँ से भरोसा रख। कह जो मैं कहा, तेनू अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए कहना ही पैना। हाथ जोड़ के कहो बेटी, मैं रणवीर दुग्गल नू अपना पति स्वीकार कर दी। हाथ जोड़ के कहो बेटी, मैं रणवीर दुग्गल नू अपना पति स्वीकार कर दी। रणवीर तेरा घर वाला है ते तुहाडा सत जन्म का रिश्ता है। क्यों नहीं कर सकती? ये तेरे ते रणवीर दे रिश्ते लिए है। नहीं, ये सब नहीं कर सकती, फिर तो नहीं होएगा। नहीं देशो, रुक। पर मेरी दक्षिणा, एक निक्का जिहा काम ते तुहाडे कोल होया नहीं है, दक्षिणा तुसी डिजर्व ही नहीं करदे। पर मैं मेहनत कीती सी ना। फिर रोज वाली उही दाल। ये तो फिर उही रोज वाली बोरिंग जी सब्जी है। मैं सब कुछ नहीं खा सकती। ये भी असली नहीं सी? मैनू तो लग गया सी मैं सब कुछ हार गया, पर नहीं। अरमान, अरमान मेरे लिए बारो ना फ्रेंच फ्राइज ते मिल्कशेक ऑर्डर कर दो। अरमान, मैं थोड़े नाल गल कर रही हां, ध्यान कित्थे तुहाडा? की कह रही हां? मैं तुहानू कुछ कहा ते तुसी सुनिया भी नहीं। मैं तुहानू मिल्कशेक ते फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करन नूं कहा बारो। मिल्कशेक? रोटी तो बनी पई है। पर यह सब कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत बोरिंग जा खाना है रोज वांगू। मैं ना कुछ चाहता, कुछ चंगा जा खाना चाहनी है। सिंपल है, बढ़िया जा ना, घर भी बन सकता है, कोई लोड नहीं है कि बाहर मंगाने की। कहने तो मैं मम्मी जी नूं कह दंदी,
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ ਐਕਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੰਪਲ, ਦੇਸ਼ੋ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖ ਸਿੰਪਲ, ਦੇਸ਼ੋ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਲੋ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਦੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਸ਼ੋ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ, ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ੋ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਮਾਸੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਈ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਚੱਲ ਐਨੀਵੇ, ਤੂੰ ਆ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਵਾਂ। ਸਨੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਫੜ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਮ ਹੀ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀਦੀ, ਦੇਸ਼ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੈ ਸਾਂਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਆ। ਅਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁੱਗਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ,
ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਸਿੰਪਲ, ਕਾਮ ਡਾਊਨ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਗਲ ਫੈਮਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸਨੀ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਰਾ ਕੇ। ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਰਾ ਰਣਵੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਵੀ ਬਸ ਆਉਣ ਹੀ ਵਾਲੇ। ਹੈਲੋ, ਦੇਸ਼ੋ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਚ? ਵਾਓ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੋਹਣੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਵੈਲਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਾ ਹੀ ਫੇਰੇ ਵੇਖੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਾਂ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਸਕਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਫੇਰੇ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਵਰਤੇ ਵਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਆਓ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਫੇਰੇ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਸ਼ੋ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੰਡਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪੰਡਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਅਰਧ ਗਿਰਦ 7 ਫੇਰੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੀ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਮਲਕੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਮਲਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ ਰਣਵੀਰ? ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖ ਰਣਵੀਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਹਤਰੀ ਇਸੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਵੀ ਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਪੰਡਿਤ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋਗੇ? ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ। ਕੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਪੰਡਿਤ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਪੰਡਿਤ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਧੋਖਾ? ਇਹ 'ਚ ਧੋਖਾ ਕਾਹਦਾ? ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਓਹੋ, ਮਲਕੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਣਵੀਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇਸ਼ੋ ਰਣਵੀਰ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਰਣਵੀਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ,
पर देशो मैडम ते रणबीर सर नाल होना ते धक्का ही है ना। तुसी पता नहीं की बोली जा रहे हो अज। देखो हाले उन्हां नूं ये दसण दी लोड़ नहीं कि उन्हां दा विआह असली हो रहा है। जिवें तुहानूं मैं पहला भी कहा सी, जदों देशो इस घर च आएगी वह देखेगी रणवीर उन्हूं किन्ना प्यार करदा है, उहदा किन्ना ख्याल रखदा है, तो वह आप ही उन्हूं छड्ड के जाण बारे नहीं सोचेगी। ते फिर जदों देशो ते रणवीर दोनों इकट्ठे रहण दा फैसला कर लैणगे तां मैं उन्हां नूं दस दांगी। नाल रहण नाल बहुत फर्क पैंदा है मलकीत जी, ते मैनूं पूरा यकीन है देशो नूं भी रणवीर नाल रह के प्यार हो ही जाएगा। गल तां तुहाडी मैडम जी ठीक है। शुक्र है फाइनली तुहानूं मेरी गल समझ आई। चलो हुण मैं तुहानूं पंडित लब्भण दा जिम्मा भी दिन्नी आ, पर एक गल याद रखियो। मैं समझ गया मैडम जी कि पंडित नकली नहीं असली लब्भना। वेरी गुड मलकीत जी, एना ही नहीं ओनू सानू दसना भी पएगा। पर मैडम जी असी घर दे राज इस तरह किदा किसे नू दस सकदे आ। सारा कुछ नहीं दसना, बस सिर्फ एना ही कि ए व्याह असली होएगा, बाकी सारी गल मैं आपे कर लवां। ठीक है मैडम जी, जिस तरह तुसी ठीक समझो, मैं हुण नकली नहीं असली पंडित लभ के लियाना। बिलकुल, मैनू माफ कर दी रणवीर, पर मैनू पता मेरे पुत्र लई की सही।